गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मंडे गाइस। आज का दिन मेरा शुरुआत हो गया है और अभी मैंने आपको एक न्यूज़ दे दूँ। फाइनली एंड एवरीथिंग डिसाइडेड, आई हैव जॉइंड मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी। शिव की आराधना के लिए मंदिर निकल जाते हैं, हर हर महादेव। मंडे मॉर्निंग की बस एक ही समस्या है, क्योंकि संडे को ऑफिस बंद हो जाता है ना। अपना ये मॉनिटर लेके मैं घर आ जाता हूँ, क्योंकि कुछ मूवी देख लूंगा या कुछ एडिट वेडिट करने की जरूरत पड़ी तो वो कर लूंगा। और मंडे मॉर्निंग थोड़ा फनी हो जाता है कि वापस मॉनिटर लेके ऑफिस जाना होगा। वहीं बैक विद मॉनिटर। पूजा बहुत ही शांतिपूर्ण हो गया। अब आज का दिन ऑफिस से वापस से शुरू करते। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, अब खाऊंगा। ऑफिस फाइनली ज्वाइन करने के बाद मेरा रूम भी चेंज हो गया है, तो अब मैं यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह जा रहा हूँ। और वो मैं और भी ऐसे समझ रहा हूँ कि अच्छा ही प्रमोशन है, क्योंकि सर का जो चेंबर है उसके जस्ट आउटसाइड ही मेरा अभी डेस्क लगेगा। कैमरा में रोल लेकर आता है जी सर, यहीं रख के चले आएगा सर। मैंने पूछा, उन्होंने बोला आप खुद की रिस्क पे रखो, मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे बंद होते हैं, वहाँ नहीं, मेरे रूम में रख सकते। हाँ, बहुत ही सही रहेगा, थैंक यू सर। मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ कि कैसा मेरा अभी वर्क प्लेस है। लेट्स सी। और सो यहाँ पे मेरा टेबल है। आई हैव बीन शिफ्टेड हियर। यहाँ पे इनसाइड जस्ट इस रूम में सर का केबिन है, और यहाँ पर मैं, यहाँ पर दो और लोग काम करते हैं, और वहाँ पर एक और कास्टिंग एसोसिएट काम करते हैं। सो दिस इज द वर्क प्लेस फ्रॉम नाउ ऑन। तो सर ने मुझे ये जगह दे दी, और अभी सर ही मुझसे ये पूछ रहे थे बातचीत की कहाँ पे रखते हो ये सब। तो मैंने बताया कि सर ये बैग लाना पड़ता है, पर ही इज सो काइंड, उन्होंने बोला अच्छा तुम इस रूम में बैग को रख सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ जो मैं डेली लेके आता था। तो ये वाला बड़ा सा बैग मैं डेली लेके आता था, पर सर की उदारता, उन्होंने बोला ऑफिस में रख सकते हो इस बैग को। तो आज से ये बैग यहीं रह जाएगा। मॉनिटर तो मैं जनरली यहीं रख देता हूँ, तो लैपटॉप बैग कैमरा यहीं रह जाएगा, और मैं यहीं ऑफिस में आके, और मैं आप अपने वर्क प्लेस के बारे में बता दूँ, मेरा भी क्या काम है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ मुकेश छाबड़ा सर के यहाँ। एंड द थिंग इज़, उन्होंने मुझे खुली छूट दे रखी है कि तुम्हें व्लॉगिंग करना है, तुम्हें थोड़ा बाहर का फ्रीलांसिंग काम करना है, वो तुम कर सकते हो। वो बहुत सपोर्टिव है पूरे क्रिएटिव प्रोसेस के। तो ही इज़ लाइक कि वर्क वट एवर यू हैव टू, जस्ट ऑफिस का काम हो जाए एंड देन यू आर फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट। सो वॉट अ वंडरफुल प्लेस टू बी एट। एंड ये बैग वैग सब कुछ आ जाए, तो अब मैं बहुत ही फ्रीली घर जाया करूँगा और वापस फ्रीली ऑफिस आया करूँगा। इज इट, अब मेरा लंच टाइम हो रहा है, गोइंग फॉर द लंच। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ट्यूजडे लेडीज एंड जेंटलमैन। कल का दिन बहुत ही हेक्टिक था, जिसकी वजह से लंच के बाद मेरे दिमाग से उड़ गया कि मुझे कुछ शूट करना है, मुझे आपको बताना है कि दिन का क्या कार्यभार है। तो अभी उठ के मैं जा रहा हूँ जिम, और जिम करने के बाद मैंने रात का चिकन, मतलब आज की जो लंच है, रात में ही प्रिपेयर कर लिया। चिकन को बॉयल कर लिया, बाहर से अगर मुझे कुछ मिल जाए सामान तो ले आऊँगा, और मतलब जैसे ब्रोकली वगैरह, जैसे सैलेड, वो ले आऊँगा। अभी चलते हैं फटाक से जिम, जिम करते हैं, आते हैं। और अभी समय हो रहे हैं 8:22, मतलब 8:30 को जिम पहुंच जाएंगे, बगल में जिम है, उसके बाद वर्कआउट करते हैं, लेट्स गो। अरे रे रे, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं 10:20, मुझे 10:30 में निकलना है। और यहाँ पर कुकर सीटी दे रही है, जिसमें मैंने आलू उबाला है। यहाँ पर मेरा मिल्क शेक रेडी है, गेटिंग लेट, जल्दी से शेव करके फटाक से रियली फटाक से ऑटो लेके निकल जाना है ऑफिस। और आज क्लीन शेव, कुकर की सीटी यार। और फिर आज लंच के टाइम का बाद हिस्सा भी दिखाऊंगा, क्योंकि लंच के बाद तो बताया ना, भूलिए तो चलो यार, होता है कभी कभी।
एंड आउट 10:45 में वैसे मैं ट्रैफिक को लेते हुए 10:30 निकलता हूँ, 15 मिनट की जर्नी है, और 10:45 मैं ऑटो पे बैठा हूँ. लेट्स सी इफ आई रीच एट 11 AM शार्प. दैट इज़ द ऑफिस टाइम एट MCCC. टाइम के बहुत ही पाबंद लोग वहाँ पे रहते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहता कि एक मिनट भी देर. एंड आई होप कि भैया अगर मुझे पहुँचा दे जल्दी जल्दी. कल से मैं अपना टाइम जल्दी जल्दी शुरू करूँगा. बहुत ही कट थ्रोट टाइमिंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे कि 11:45 निकलूँ, 10:45 निकलूँ. 10:30 इज़ द राइट टाइम टू लीव द हाउस, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे शार्प पहुँचना इज़ नॉट गुड. थोड़ी देर पहले आ जाओ तो यू फील रिलैक्स्ड, ऐसा वरना टेंशन लगा रहता है कि टाइम पे पहुँचेंगे. बट फाइनली 11 बजे एकदम डॉट पहुँच गया. गेटिंग बैक टू द वर्क. ओके, लंच के बाद भी हमारी बातचीत नहीं हो पाई, बट स्टिल इट्स अ गुड वर्किंग डे. अब थोड़ा सा मैं आपको एरियल शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ का. आई होप यू विल लाइक इट. आई एम जस्ट गोइंग टू फ्लाई इट होम. या सी यू आफ्टर दैट. मैंने सोचा यहाँ पर मैं ऐसे फ्लाई करूँ, लेकिन ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये कंप्लीट मेरे पीछे जो पेड़ है, तो इनकी वजह से ना कुछ व्यू ही नहीं आया. और इधर से सनसेट भी होने वाला है, बट स्टिल एक छोटा सा नॉट सो वर्थ एरियल व्यू फिर भी आप देख ही लो. हो गया है, सो ऑफिस का काम तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, और मैं कुछ देर यहाँ पर किताब पढ़ रहा था. देन आई विल गो होम. थकान हो गई है थोड़ी, और उसके बाद घर जाके फिर से इस किताब को पढ़ेंगे. बहुत ही मज़ेदार किताब है. एक लाइन पढ़ दूँ मैं आपके लिए जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. आई थॉट टू ऐसे अंडरलाइन लगा लूँ, पर लगा नहीं पाया. सो द लाइन इज, चेंजेस दैट सीम स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट एट फर्स्ट विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट्स इफ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर इयर्स. सो ट्रू, स्मॉल चेंजेस एंड रिमार्केबल डिफरेंस. This book says by James Clear, Atomic Habits. और ये किताब एक्चुअली मैंने जिस दिन मैंने इसको ना Amazon के विशलिस्ट में डाला, उसी दिन मनोरंजन, बहुत ही अच्छा दोस्त है जो मेरा हर ब्लॉग देखता है, ब्लॉग्स नहीं आते हैं तो हर समय बोलता है थैंक यू मनोरंजन, तो बहुत सपोर्ट करता है मुझे ब्लॉग्स को रेगुलर रखने में. थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस बुक एज़ वेल.